हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको 5 नंबर के कान्हा जी की हुड़ वाली चोली बनाना सिखाऊंगी। और ये मैंने मेरी प्यारी फ्रेंड सोना शर्मा जी की रिक्वेस्ट पे बनाई है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रेड कलर का धागा लेंगे। और हम यहाँ पर लूप बनाएंगे इस तरह से। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 चैन बनाएंगे हम। और हम सेकंड छोड़कर थर्ड में हम डबल क्रोशिया करेंगे। और फिर यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर इस तरह से। नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में 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 फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। और नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा लास्ट वाला चैन था। तो इसमें हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि हम लास्ट वाले में 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और फिर हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और फिर नेक्स्ट में यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। और नेक्स्ट में फिर से यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। और नेक्स्ट में यहाँ पर हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में हम यहाँ पर फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ तक हम डबल क्रोशिया करेंगे। तो पूरी लाइन में हम इस तरह से यहाँ पर डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। और हम यहाँ पर फिर से 1 2 3 3 चैन बनाएंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट चैन में हम डबल क्रोशिया करेंगे। और फिर से नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह हम पूरी लाइन में डबल क्रोशिया कर लेंगे एक एक बार। तो इस तरह से हम पूरी लाइन में यहाँ तक डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो हमने यहाँ तक डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम फिर से चैन बनाएंगे 1 2 3। और नेक्स्ट चैन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह हम पूरे राउंड में डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर पूरी लाइन में डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम यहाँ पर चैन बनाएंगे 1
दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः चैन बनाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे और फिर से तीन चैन बनाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे हम, फिर से तीन चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, और फिर से यहाँ पर जो चैन बनी है यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से तीन चैन बनाएंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से तीन चैन बनाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से तीन चैन बनाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब हम यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट वाली चैन में हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और फिर तीनों में से हम धागे को पिक कर लेंगे। तो ये हाफ डबल क्रोशिया होगा। अब नेक्स्ट में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट में फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट में फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यानी कि हम पूरी लाइन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो हम इस तरह से पूरी लाइन में हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। सेम इसी पैटर्न के साथ में पूरी लाइन में हाफ डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो हमने पूरी लाइन में हाफ डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम लेंगे पीच कलर का धागा और इसको यहाँ पर हम जोड़ लेंगे और फिर यहाँ पर चैन बनाएंगे, एक, दो, तीन, तीन चैन बनाएंगे और फिर यहाँ पर नेक्स्ट चैन में हम दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और दो। नेक्स्ट पे हम फिर से दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और दो। नेक्स्ट में फिर से दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और दो। नेक्स्ट में फिर से दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक और दो। नेक्स्ट में फिर से दो बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक, दो। नेक्स्ट में फिर से दो बार डबल क्रोशिया करेंगे तो इसी तरह हम पूरी लाइन में दो दो बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो हमने पूरी लाइन में दो दो बार डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम एक, दो, तीन, तीन चैन बनाएंगे और नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट में एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट में फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे
नेक्स्ट में फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो हम इस तरह से पूरी लाइन में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये लाइन भी काफ़ी सिंपल है। तो हमने पूरी लाइन में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया है, ठीक है। तो हम फिर से चैन बनाएंगे तीन, एक दो, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया करेंगे एक बार। नेक्स्ट में हम फिर से एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे, यानी कि हम इस लाइन में भी एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये लाइन भी काफ़ी सिंपल है, हम इसी तरह से पूरी लाइन में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे, ठीक है। तो पूरी लाइन में हम इस तरह से एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो हमने लाइन कंप्लीट कर ली है, पूरी लाइन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया कर लिया। अब हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, और नेक्स्ट में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, यानी हमारा चार बार डबल क्रोशिया हो गया है। फिर से करेंगे पाँच, और फिर से करेंगे हम यहाँ पर डबल क्रोशिया छः। तो हमने छः बार डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम यहाँ पर दस तक छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, दस छोड़कर हमें डबल क्रोशिया करना है ग्यारह वाले में, इस तरह से। और फिर से नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया करेंगे, दो, और यहाँ पर तीन, चार, और नेक्स्ट में यहाँ पर पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, और हम पहले यहाँ पर गिन लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः। तो स्टार्टिंग के छः में हम यहाँ पर यहाँ तक हम डबल क्रोशिया करेंगे, और उसके बाद हमें दस छोड़ने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और दस। तो हम यहाँ पर 10 तक छोड़ देंगे बाजू के लिए, और हम ग्यारहवें में यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। और फिर नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे। जो बचे हैं हम सब में डबल क्रोशिया कर लेंगे, क्योंकि हमें लास्ट के छः में डबल क्रोशिया करना है। ये राउंड हमारा काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बस इस राउंड पे आपको ध्यान देना है अच्छे से, और बाकी राउंड तो सिंपल ही थे। और फिर एक चैन बनाएंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे, और फिर से एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे, और नेक्स्ट में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। नेक्स्ट में हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे।
नेक्स्ट में फिर से हम डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये राउंड भी काफ़ी सिंपल है, हम इस पूरे राउंड में एक एक बार डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो पूरी लाइन को मैंने कंप्लीट कर लिया है, अब हम इसको यहाँ पर लास्ट में स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर हम यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे यहाँ से। तो धागे को मैंने कट कर लिया है, तो ये इस तरह से हमारी चोली बन जाएगी। और हमने यहाँ पर जो कैप बनाई है जिसका धागा यहाँ पर है, उस धागे से इस तरह से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे तीन बार। और यहाँ पर हाफ़ क्रोशिया करेंगे, हाफ़ क्रोशिया करेंगे, और नेक्स्ट में फिर से हाफ़ क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से हाफ़ क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में फिर से हाफ क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से हाफ क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से हाफ क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हम हाफ क्रोशिया कर लेंगे पूरी लाइन में। तो हमने यहाँ तक हाफ क्रोशिया कर लिया है, अब हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ तक हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, अब हम यहाँ पर गले की आउटलाइन करेंगे। सिंगल क्रोशिया से ही हम गले की आउटलाइन करेंगे, इस तरह से तीन बार करेंगे सिंगल क्रोशिया। नेक्स्ट में यहाँ पर फिर से तीन बार करेंगे सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में फिर से यहाँ पर हम तीन बार सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट में फिर से यहाँ पर हम तीन बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम यहाँ से धागे को कट कर लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमने आउटलाइन कर दी और हुड वाली चोली हो गई है हमारी तैयार। अब आप चाहे तो यहाँ पर बैक साइड में यहाँ पर डोरी बनाकर डाल सकते हैं, काफ़ी सुंदर लगेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने डोरी बना ली है और इसको यहाँ पर डाल दिया है, और यहाँ पर हमने नीचे की साइड में मोती लगाए हैं और हुड वाली चोली हो गई है हमारी तैयार। हाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और जल्दी से मेरे चैनल बेबी पाय रानी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।